हेलो फ्रेंड्स, द कुकिंग बॉक्स में आपका स्वागत है। आज बनाएंगे कच्ची कैरी की चटनी। तो उसके लिए दो कैरियाँ लेनी है, आपको इस तरह से काट लेनी है। और मसालों में लेंगे काली जीरी, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्ची, दालचीनी और तेज़पत्ता। अगर आपके पास काली जीरी नहीं है तो आप नॉर्मल जीरा भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा तेल लीजिए, इसमें सारे मसाले डाल के इसको अच्छी तरह भूनेंगे ताकि ये अपनी खुशबू छोड़ें। उसके बाद जो हमने ये काटी थी कैरियाँ, ये डालनी है, इनको भी अच्छी तरह भूनना है। इसमें डालना है नमक, मिर्ची और हल्दी, ये सारे मसाले डाल के इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर इसके बाद क्या करना है, आपको आधी कटोरी इसमें चीनी डालनी है। चीनी जैसे ही मेल्ट होते जाएगी तो ये और भी अच्छी बनती जाएगी। इसके लिए फिर आप इसमें क्या करेंगे, एक कटोरी पानी डाल दीजिए और इसको ढक्कन लगा के उबालने के लिए रख दीजिए। जब एक उबाल आ जाए तो आप इसको क्या करेंगे, ढक्कन को हटा के देखेंगे कि कैसी बनी है। हाँ, ये सही है, ऐसा ही हमको चाहिए। फिर क्या करेंगे, इसको हम कटोरी में डाल देंगे और अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो ये और गाढ़ी और अच्छी हो जाएगी और 4-5 दिन तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं।